तो वो कहती है कि भाई आपके हाथों में जादू है। तो जादू नहीं होता भाई हमारे हाथों में, वो मैंने आपको बता दिया वो जादू क्या होता है, बस जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल बिट्टू फ़ोन में और मेरा नाम है बिट्टू। देखिए आज आपको मैं कुछ इजी सॉल्यूशन बता देता हूँ जो मैं अपनी दुकान पर देखता रहता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो कि अनजान बंदों को, मतलब जो टेक की नॉलेज नहीं रखते उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता और वो फिर पैसे दे आते हैं बेकार में। देखो कितनी सारी चीज़ें आपको आज बताने वाला हूँ। अगर आपके फ़ोन में स्पीकर में आवाज़ ना आए अचानक से, इस वाले में, बात करने वाले में, हेलो, अरे कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, हेलो, इसमें अगर बिल्कुल आवाज़ ना आए, या फिर आपके फ़ोन में रिंगर में आवाज़ ना आए, बिल्कुल भी आवाज़ ना आए, एकदम से स्टक हो जाए और आपको पता है कि आपका फ़ोन गिरा भी नहीं है, आपका फ़ोन पानी में भी नहीं गिरा है, और या फिर अगर आपके पास टाइप सी वाला चार्जर लगता है आपके फ़ोन में और वो चार्जर नहीं पकड़ रहा है, मतलब आपने लगाया चार्जिंग शो ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा और अच्छा वाला सही था वो, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए पावर बटन है ना, इसको दबा के रखिए, ये जो रीस्टार्ट का ऑप्शन है ना, अब आप कहेंगे यार कितनी मामूली सी बात है, भाई मैं बता रहा हूँ 70% लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। मोबाइल फ़ोन में 30% जो 30% कह रहा हूँ भाई, मैं मोबाइल रिपेयर वाला हूँ भाई, सारा दिन रिपेयर ही करता हूँ और आपके लिए चैनल खोला तो आप ही के लिए सोल्यूशन दूंगा कि 30% तक है ना प्रॉब्लम रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाती हैं। हम रीस्टार्ट करेंगे, मैं रीसेट नहीं कह रहा भाई, मैंने रीस्टार्ट किया है इसको, ये बंद, रीस्टार्ट का मतलब होता है बंद होके फिर दोबारा ऑन हो जाएगा, अपने आप ऑन हो जाएगा, है ना, ये रीस्टार्ट हो गया। अब जो भी कोई प्रॉब्लम होगी ना वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर एकदम से अचानक से प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ गई है, या फिर या तो पानी नहीं गिरा उसमें या फिर गिरा ना हो, ठीक है, उस कंडीशन में वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। देखिए स्टक हो जाना किसी भी चीज़ को, किसी भी सेक्शन को सप्लाई देना बंद कर सकता है सीपीयू, उसको पूरी अथॉरिटी होती है, प्रोसेसर होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर, है ना, देखिए मोबाइल फ़ोन खुला हुआ है ना, इसके इस तरफ में है ना सीपीयू होता है, उसको पूरी अथॉरिटी होती है किसी भी सेक्शन को वो वोल्टेज देना या उसको पावर देना बंद कर सकता है, उसकी प्रोग्रामिंग बंद कर सकता है जब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, जब सीपीयू दिमाग को बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन, हर मोबाइल फ़ोन में एक होता है, इसको साइड में रखता हूँ कि ना इसके सीपीयू के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सीपीयू में आपको करना क्या है, दिमाग ख़राब होता क्यों है सीपीयू का, आपको मैं आज इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ, छोटी सी नॉलेज होगी मगर आपके काम आएगी। दोस्तों यकीन मानना ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको हज़ारों रुपये खर्च करके क्लास में भी टीचर नहीं बता पाते इन बातों को, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि 18 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों अपना। देखिए सीपीयू का दिमाग ख़राब जब होता है जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर आप एक, मतलब कई गेम एक साथ खोल लेते हैं, उसको इधर से मिनिमाइज़ कर लेते हैं, है ना, रिसेंट वाले बटन से मिनिमाइज़ करके फिर दूसरा खोल लेते हैं गेम, फिर दूसरा गेम चला रहे होते हैं, फिर उसमें यूट्यूब भी खोल लेते हैं आप, है ना, फिर उसमें वीडियो का फोल्डर भी खोल लेते हैं, मतलब आपने मल्टीमीडिया को भी एक्सेस कर रखा है, उसके बाद इंटरनेट को भी आपने एक्सेस कर रखा है और भी जो भी जो जो चीज़ें आपने चला रखी होंगी ज़्यादातर, तो वो सारी वर्किंग में रहती हैं, बैकग्राउंड में भी बहुत सारी ऐप चालू रहती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है सीपीयू हो जाता है गर्म, उस सीपीयू के ऊपर अगर हीट के लिए एक पेस्ट आता है वो पेस्ट भी गर्म हो जाता है भाई, इतना हीट हो जाता है। आजकल के जो स्मार्टफोन है तो भाई जाहिर सी बात है, देखिए दिक्कत तो आएगी, आपके कारण ही आती है, अपने आप दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि ये वाला फ़ोन ख़राब है ये जल्दी होगा, नहीं भाई चलाने का भी कुछ थोड़ा सा वो होता है ना, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है हमें चलाना नहीं आता फ़ोन मगर हम फ़ोन ले लेते हैं, मेरे पास तो भाई, मैं दिल्ली में हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे आते हैं, वो कल वो लेके आए थे सैमसंग का फोल्ड वाला फ़ोन, एक लड़का अमीर है, दुकान के पास में ही है उसका घर, वो इतना अमीर है भाई साहब, उस बंदे को सिर्फ उसे फ़ोन ख़रीदना आता है, मतलब सबसे महंगा फ़ोन कौन सा है, वो फ़ोन ख़रीदेगा और उस बंदे को वो नहीं आया, वो कहते कह रहे ये कर दो इसमें नंबर सेव कर दो ये वाला, भैया देखना एक इस लास्ट में लिखा होगा 34 और भाई ये वाला नंबर सेव कर दियो। मुझे बड़ी हंसी आई, वो फोल्ड वाला फ़ोन ले रखा सैमसंग का बंदे ने भाई, 1.5 लाख का फ़ोन ले रखा बंदे ने और उसे वो नहीं आता, तो वो खर उनके दिमाग की वो अलग बात है। दूसरी तो बहुत सारे बंदों को क्या होता है फ़ोन चलाने नहीं आते हैं, तो आप फ़ोन में जब भी कोई हैवी टास्क हैवी हार्डवर्क कुछ करते हैं ना, मतलब हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है सीपीयू का हो जाता है दिमाग ख़राब, वो सीपीयू फिर किसी एक सेक्शन को गुस्से में आके सप्लाई देना बंद कर देगा,
या तो वो स्पीकर सेक्शन को देना बंद कर देगा, स्पीकर सेक्शन बंद हो जाए। ये प्रॉब्लम है ना मोटरोला में बहुत ज़्यादा आती है। देखिए एक्सपीरियंस की बात आपको बता रहा हूँ, मोटरोला के जो फ़ोन होते हैं ना उनमें पता क्या होता है, कभी कभी ये रिंगर की आवाज़ है ना एकदम स्टक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आएगी नहीं। मेरे पास कमेंट भी बहुत सारे बंदों ने कर रखी है, आप कमेंट भी पढ़ सकते हैं। कई बंदों ने मोटरोला के बारे में काफ़ी कमेंट करी और मैंने उनको यही जवाब दिया, उनके जो रिप्लाई में मैंने जो जवाब दिया उनको यही दिया कि एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, कहीं मत जाना, रिस्टार्ट करो, देखो आपकी आवाज़ आ जाएगी। और रिस्टार्ट करने पे आवाज़ आ जाती है। रिस्टार्ट करने से क्या होता है, आपकी जितनी बैकग्राउंड में ऐप होती है ना वो सारी बंद हो जाती हैं, उसके बाद नया फ्रेश एक मोबाइल फ़ोन खुल के आता है नया होके, तो ये चीज़ें हो जाती है। ये आसान सा तरीका एक रिस्टार्ट का मैंने आपको बताया। आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले आप रिस्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचिए। एक बार रिस्टार्ट करिए। कभी कभी देखिए मेरे पास क्या होता है, बहुत सारे लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं इसी तरीके से ये प्रॉब्लम लेके कि उन्होंने फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं किया होता और मैं फ़ोन उनके सामने रिस्टार्ट करता हूँ तो वो कहती है कि भाई आपके हाथों में जादू है। तो वो जादू नहीं होता भाई हमारे हाथों में, वो मैंने आपको बता दिया वो जादू क्या होता है। बस रिस्टार्ट करो, सीपीयू की प्रोग्रामिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, शुरू से वो जहाँ वो आगे गिनतियों में पहुँच गया था ना, कहीं 35 दबा रहा था, कहीं 40-65, वो सब फिर शुरू से नंबर वाइज आ जाता है। दोबारा रिस्टार्ट करने से 1-2-3-4 फिर से सीरीज़ में आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको काफ़ी एक काम की जानकारी दी है, अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। लाइक का एम अपने आप रख लीजिए, कितने लाइक आपको जितने कर सको उतने कर लीजिए, और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।